क्या आप लोगों ने द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का नाम सुना है? कुछ लोग अपने वीडियो में अक्सर इसी का यूज करने लगे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में सिर्फ 5% लोगों को ही महारत हासिल प्राप्त हुई है? लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छा भी हो सकता है और बुरा। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जो आदमी या जो व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है वो उसकी नीयत कैसी है। और एक बात, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज आप इसे पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं या फिर नेगेटिवली। क्या आप लोगों को पता है कि कुछ लोग इसे दूसरों को नुकसान करने के लिए यूज कर रहे हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को? खैर छोड़ो द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, खैर छोड़ो इस टॉपिक को। इस टॉपिक पर एक दिन पूरा फुल वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का एक छोटा सा एग्जांपल ध्रुव राठी को आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने सोचा है कभी कि आपका एक डिसीजन कभी सही हो जाता है तो कभी गलत? इस पर कभी विचार करना। और मैं इस वाले वीडियो को आपको पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करता हूँ और डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो का जो आउटकम है वो क्या है। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। क्या किया इन्होंने, 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका कहना है कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में बीजेपी ने बैलेट पेपर का यूज करके धांधली की? हाँ बिल्कुल सही है कि मैं भी मानता हूँ कि बीजेपी ने धांधली की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बैलेट पेपर के नतीजे होते हैं उन्हें बदला जा सकता है। इसीलिए ईवीएम को लाया गया था ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके। यदि हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी बैलेट पेपर का यूज हुआ है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक मिनट, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आप ही ने कहा था कि ईवीएम को हटाना चाहिए, इससे कभी भी फेयर इलेक्शन और फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। और अब बैलेट पेपर से जैसे इलेक्शन हो रहा है तो आप ही कह रहे हैं कि इसमें भी नतीजे बदले जा सकते हैं और मैनिपुलेट आराम से किया जा सकता है, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर ईवीएम हैक हो सकते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम का यूज करके जीत रही हैं, तो आम आदमी पार्टी जब पंजाब में इलेक्शन जीतती थी तो क्या वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुआ था? तो ध्रुव राठी, अब सवाल ये उठता है कि आप ही बताइए अपने व्यूअर को कि बैलेट पेपर सही है कि ईवीएम, क्योंकि जो आपके व्यूअर हैं वो भी अब परेशान हो गए हैं ध्रुव राठी कि बैलेट पेपर सही है कि ईवीएम। जो ए पॉइंट था इससे ये सिद्ध होता है कि ध्रुव राठी अपने ही व्यूअर को चीट कर रहे हैं, उनके व्यूअर ही नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें। ध्रुव राठी अपने व्यूअर को ही चीट कर रहे हैं और ध्रुव राठी के व्यूअर ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बैलेट पेपर को यूज करें कि ईवीएम को यूज करें। मुझे लगता है ध्रुव राठी नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रेरित हैं, इसलिए कभी वो बीजेपी में जाते हैं तो कहीं दूसरी पार्टी में जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो हमारा अगला पॉइंट है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा। तो ध्रुव राठी का कहना है कि ईवीएम आसानी से चोरी हो जा रहा है, तो हम कैसे विश्वास कर लें द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया
फेयर इलेक्शन करवाने वाले हैं। ध्रुव राठी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ईवीएम चोरी हुआ था। लेकिन हाँ, ईवीएम चोरी हुआ था, लेकिन जो ईवीएम चोरी हुआ था वो रियल नहीं था, वो एक डेमो ईवीएम था। डेमो यूनिट ईवीएम का मतलब ये होता है कि आप ईवीएम से वोटिंग कैसे करोगे, वो उससे ट्राई करके यूज किया जाता है। ध्रुव राठी फैक्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है। ध्रुव राठी फैक्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसे कहा जाता है उमेशन। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने ही हिसाब से वीडियो का या उस टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट दिखाना, और इसे कुछ लोग सिलेक्टिव डिस्क्लोजर भी कहते हैं। खैर, दूसरे पॉइंट की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड। ये एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई। एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस में। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी ध्रुव राठी ने सिलेक्टिव डिस्क्लोजर यूज कर रहा है। एनीवेज, ये कोई खुली हुई बात नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका इन्फ्लुएंस सेंट्रल एजेंसी के पास होता ही होता है। मैं आपको 2005 की बात बताता हूँ। वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में नवीन चावला सिक्योरिटी थे। रिटायर्ड होने के बाद सोनिया गांधी उन्हें इलेक्शन कमीशन बना देती हैं। तो यहाँ पर गेम ऐसा कुछ चलता है कि 2005 में इलेक्शन कमीशन थे पीवी टंडन, जो कि 2006 में रिटायर्ड करते हैं। उनके बाद चीफ ऑफ कमीशन बनते हैं गोपाल स्वामी, जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, जो कि सितंबर 2008 में जो रिटायरमेंट होने वाले थे। तो जो नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बनते वो नवीन चावला बन जाते, और अगले 10 महीने तक वह चीफ कमिश्नर बने रहते और कांग्रेस की 2009 के चुनाव में मदद करते या हेल्प करते, और इसीलिए सोनिया गांधी ने 2005 में इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। ये जो नवीन चावला है, ये कैसे मदद करते या कैसे हेल्प करते चुनाव के टाइम कांग्रेस की। 2006 में जब नवीन चावला कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उनकी वाइफ को कांग्रेस के MP द्वारा 85 लाख रुपए दिए गए थे, और वो रुपए किसने दिए थे? अंबिका सोनी ने, जो कि MP थी उस समय। अंबिका जी का कहना था कि ये पैसा उन्होंने सोशल कॉज के लिए उन्हें दिया था। गोपाल स्वामी ने उस समय जब उनका रिटायरमेंट होने वाला था, तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया था कि नवीन चावला का क्लोज अटैचमेंट है कांग्रेस के साथ, और उन्होंने ये भी कहा था प्रेसिडेंट से लेटर में कि नवीन चावला को इसलिए यहाँ से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आप थिंकिंग करके विचार कीजिए कि जो गोपाल स्वामी हैं वो खुद बता रहे हैं कि जो नवीन चावला आने वाले हैं वो उनका पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट है।
इसलिए उन्हें हटाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उन्हें हटाया नहीं जाता और नवीन चावला को अगला इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है या फिर नियुक्त कर दिया जाता है। और अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन अहेड किया था जिसको हिट कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस एजेंसी का पता लगाना था कि नवीन चावला ने क्या कुकर्म किए थे और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना और गवर्नमेंट इंडिया के सामने पेश करना। फिर इस एजेंसी ने एक रिपोर्ट भी बनाई और उस रिपोर्ट को पेश भी किया और इस रिपोर्ट में जो था वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि इमरजेंसी के दौरान नवीन चावला किशन चंद के सिक्योरिटी थे जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तब इन्होंने अपनी पावर का खूब मिसयूज किया क्योंकि इनको डायरेक्ट एक्सेस था इंदिरा गांधी के ऑफिस का, इसलिए इनके साथ बहुत सारे पावर थे। और बताया गया कि नवीन चावला इतने करप्ट थे कि यह किसी पब्लिक ऑफिस में काम करने के लिए अनफिट और इसलिए बिना इंक्वायरी के इन्हें अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की इतने नेगेटिव फाइंडिंग थी कि उन्होंने खुद की जान ले ली। किसी व्यक्ति को अनफिट बताया जाता है और तुरंत उसके ऑफिस से उसे डिसमिस करने की अनुमति दी जाती है। फिर भी सोनिया गांधी उस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने के लिए कामयाब हो जाती हैं। कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उसका सेंट्रल एजेंसी के पास इन्फ्लुएंस होता ही होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन ऐसा कह सकते हैं अपन लोग, किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। इस पॉइंट से क्या सिद्ध होता है कि ध्रुव राठी फैक्ट तो दिखाते हैं लेकिन फैक्ट अपने हिसाब से दिखाते हैं, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं। चलो रहने देते हैं इस बात को, अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमिटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमिटी में। तो 3 मेंबर की कमिटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। ध्रुव राठी का कहना है कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन 3 सदस्यों की टीम से निकाल रहे हैं। अगेन ध्रुव राठी फिर सिलेक्टेड डिस्क्लोजर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक रूलिंग गवर्नमेंट एक बिल पास नहीं कर लेती है अपॉइंट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तब तक जो 3 मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें से एक CGI भी होंगे। और यहाँ पर ध्रुव राठी का कहना है कि बीजेपी जो बिल लाई उसमें बीजेपी ने CGI को ही रिमूव कर दिया। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और आप लोग भी देख पा रहे हो, यहाँ पर तो बीजेपी ने जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसा ही उन्होंने किया और सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने बात मानी है। ये जो ट्वीट है उसे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करोगे तो उसमें लिखा है कि जो CGI थे वो टेम्पररी बेसिस पर थे जब तक कि बिल नहीं आ जाता। हाई साहब, इससे ज़्यादा मैनिपुलेशन और क्या हो सकता, आपके आँखों के सामने ही ये व्यक्ति मैनिपुलेशन कर रहा है। पता है ध्रुव राठी ने क्या किया? जो वो ट्वीट था उसका 2 लाइन भर ध्रुव राठी ने पढ़ी और उसी को जनता के सामने पेश कर दिया। भाई इससे ज़्यादा मैनिपुलेट, भाई इससे ज़्यादा कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और ये 2 लाइनें हैं, इसी को 2 लाइनों को देखकर ऑपोजिशन ने भी बहुत ज़्यादा विवाद फैलाया था और भाई क्वेश्चन वगैरह किए थे, बस इन सिर्फ 2 लाइनों को अपोजिशन ने भी टारगेट किया था।
हाँ मैं मानता हूँ कि जो भी अपोजिशन होता है उसका काम होता है कि जो कि प्रेजेंट की गवर्नमेंट होती है उसे अपोजिट क्वेश्चन रखने का और क्वेश्चन पुटअप करने का, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि भाई तुम बिल्कुल उल्टा चलो। इससे देश के जितने भी लोग हैं और देशवासी है उन्हें सिर्फ निगेटिव मैसेज जाएगा। मेरे हिसाब से अपोजिशन का ये फंदा होना चाहिए कि भाई जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हाँ आप लोग एविडेंस ढूंढें, लेकिन इतने तगड़े एविडेंस कि सामने वाली जो गवर्नमेंट है उसको भी लगेगी भाई हम जो रूलिंग पार्टी है वो गलत तो नहीं कर रही है। मैं तो बस सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है। और मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बताता हूँ, जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल हम हैं और आप हैं और एक तीसरा बंदा और है, ठीक है, मेरी इस समय मेरी सरकार है समझ लीजिए, और जो दूसरा बंदा है तीसरा बंदा वो अदर पार्टी का है। जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो दो पार्टियों को हाँ मेरे खिलाफ़ होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मैंने गलत किया है तो हाँ तो होना चाहिए, और सही कर रहा हूँ तो उसके खिलाफ ना होना चाहिए। सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा। ध्रुव राठी ने इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक फिल्म डायरेक्टर को हायर किया था जिसका नाम है विजेता दैया। और हाँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अलग ही फील हो रहा होगा कि ऐसा क्या है इस वीडियो में और कैसे है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में अलग अलग म्यूजिक है, स्क्रिप्ट है, साउंड इफेक्ट है, और इस चीज़ के बारे में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं आगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसके यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलए को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलए का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूँ, लेकिन आप खुद ही सोच लो रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलए बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऑब्वियसली बीजेपी एमएलए खरीदता है। हाँ ये तो एक सिंपल सी बात है कि एमएलए को जिस तरफ फायदा होता है उसी तरफ वह लुढ़क जाता है, और ये अभी से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। और इसका ये मतलब तो नहीं है कि इसकी तुलना डिक्टेटरशिप की तरफ करने लगो तुम, आज से पहले तो नहीं किया तुमने ऐसा। आपने इस वाले में ना तो कोई फैक्ट दिया ना कोई प्रूफ दिया, आपने सिर्फ एक्विजिशन दिया। एक्विजिशन को आप फैक्ट बताना बंद करेंगे ध्रुव राठी जी। ये ध्रुव राठी एक्यूज्ड को कन्विक्ट में कन्वर्ट करके आपको फैक्ट, इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश करना। आपके पास एक्यूज है, प्रूफ भी है, सब कुछ है, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आखिरकार सच क्या है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ध्रुव राठी अपने व्यूअर को ब्रेन वॉश मान रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ध्रुव राठी कभी स्कूल ही नहीं गए हो और ध्रुव राठी एक्विजिशन को फैक्ट बता रहा है अपने वीडियो में। मुझे तो भाई हंसी आ रही है। ध्रुव राठी के जितने भी व्यूअर हैं उन्हें भाई ध्रुव राठी से पूछना चाहिए कि आप एक्विजिशन को फैक्ट क्यों बता रहे हैं। ध्रुव राठी जी, आपकी पार्टी जिसके लिए आप काम करते हो आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी तो एक्विजिशन लगाए थे कि बीजेपी उनके एमएलए को खरीदना चाहती है, पर इस बात को जब प्रूव करने की बात आई तो आम आदमी पार्टी पीछे क्यों हट गई? आम आदमी पार्टी ऐसे एक्विजिशन क्यों लगाता है, कैसे लगाता है और किस लिए लगाता है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उनके साथ जो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं पार्टी से वो देंगे। मुझे 5 बजे फ़ोन आ गया दिल्ली से, किस शख्स का आया, अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे फ़ोन आया भी आप वापस तुरंत आएँ और अपनी पूरी टीम के साथ 5-7 लोग जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको आप साथ लेकर आइए, 5-1 लोगों को। हम गाड़ी में बैठे 4 बजे करनाल पहुँचते हैं जीतने के अगले दिन, जीत के अगले दिन की बात है ये। वापस 5 बजे हम आ जाते हैं, हम बॉर्डर पर रुकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमें 5 बजे चल पड़े वापस, 5 बजे चल पड़े, 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर, कहाँ पहुँचे हैं ना, यहाँ पहुँचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत, कहता बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने, 7:30 का वक्त था, हमें एक शख्स मिला, उसने हमें दो
सिम कार्ड दिए। बताया गया कि एक फोन में डाल दीजिए, हमने डाल दिए और हमें फोन आया भी आप इन इन लोगों को फोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे, हमने उस नंबर से फोन घुमाने शुरू किए और हमें जो जो बताया गया था हमने साफ तौर पे कहना शुरू किया भी नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो, अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मजे का वाक्य देखिए, जहां हम चाय कॉफी पी रहे हैं सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है और सामने क्या आता है, जब हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के अरविंद केजरीवाल टीवी पे, अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मेरे एमएलओ को भारतीय जनता पार्टी वाले फोन कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और 35 लाख रुपए देने की ऑफर कर रहे हैं। मतलब पहली बार माथा ठनका वहां, ये तो हम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं और उधर टीवी पे साफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मतलब उस बार पहली बार एहसास हुआ था कि हम गलत। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसको छोड़ के अपन अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है, इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है, 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने, ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। अब कन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा। ऑब्वियसली कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसी को यूज करती है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी ऐसा करता था, एक सिर्फ नॉर्मल सी बात बन गई है। सीबीआई ने अमित शाह को सुहरावर्दीन केस में अरेस्ट किया था और वो जेल भी गए थे। और हाँ, जो आप कह रहे हैं कि बिना प्रूफ के या बिना कन्विक्टेड के उन्हें जेल जाया जा रहा है या ले जाया जा रहा है, अमित शाह भी जेल गए थे बिना कन्विक्टेड और बिना कोई प्रूफ के। और उसमें सेम कहना था बीजेपी का भी कि कांग्रेस सेंट्रल एजेंसी का यूज कर रही है और हमारे जो नेता वगैरह है उनको जेल में डाल रही है। 2012 में यही काम मायावती और मुलायम सिंह के साथ किया था कांग्रेस ने। यहाँ तक कि बोफर्स स्कैम में इटालियन ब्रिटेन मैन को सीबीआई ने क्लीन चेक दिया था, उस समय ऑपोजिशन पार्टी ने यही कहा था, तो राहुल गांधी जी का कहना था कि ये ट्रेड केस है और सीबीआई को तो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है जब वह पावर में रहते हैं, और ये शब्द खुद राहुल गांधी जी के मुख से निकले हुए थे। रियलिटी में ये है कि जो भी पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो तब वह कहते हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो इन सबको बंद करवा देंगे, और सच यह है कि जैसे ही वह पार्टी पावर में आती है तो उसका मिसयूज करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी पावर में ही अगर उन्होंने उस समय सेंट्रल एजेंसी को ऑटोनोमस कर दिया होता तो आज ये हंगामा उन्हें नहीं करना पड़ता। तो अभी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उन्होंने उनके पास पावर है, लेकिन वो ऑटोनोमस नहीं कर रहे हैं। तो अगली बार जब बीजेपी अपोजिशन में बैठे तो बीजेपी का कोई ये नहीं बोल सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है इन एजेंसियों का। और हाँ, ध्रुव राठी, आपके हिसाब से ये डिक्टेटरशिप है, तो जितनी भी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में रह चुकी हैं उन्होंने अभी तक डिक्टेटरशिप ही किया है। और ये जो टॉपिक है इसका भी सिलेक्टिव डिस्क्लोजर निष्कर्ष निकला, इसका मतलब ध्रुव राठी अपने वीडियो में सिलेक्टिव डिस्क्लोजर ही रखते हैं, यानी कि अपने हिसाब से
फैक्ट को दिखाना। इसी कारण इन्होंने 2018 में एक डिफोमेट्री वीडियो बनाया था और उसको केजरीवाल ने रिट्वीट कर दिया था, तो केजरीवाल को फिर कोर्ट में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। हुआ ऐसा था कि 2018 में ध्रुव राठी ने एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया था। स्क्रिप्ट वीडियो में ध्रुव राठी ने ऐसा किया कि आईटी सेल ने ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। फिर इस वीडियो को ध्रुव राठी ने ट्विटर पर डाला और ट्विटर पर डालने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस वीडियो को रिट्वीट कर दिया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसकी बात चली तो इस वाले वीडियो को ध्रुव राठी भैया ने प्राइवेट कर दिया। और इस सुप्रीम कोर्ट में इस वाले वीडियो को लेकर बात चली तो अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि इस वाले वीडियो को आपने रीट्वीट क्यों किया, तो अरविंद केजरीवाल ने सॉरी भी मांगा और उन्होंने कहा कि गलती से हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ये डिफेमेटरी वीडियो है, बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं। जहाँ तक बात रही इस वाले वीडियो की, तो फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं इस वाले वीडियो को दिखाता हूँ। खूब उसने प्राइवेट कर दिया था लेकिन मैंने निकाल लिया है। दोस्तों, जब से मैंने वीडियो रिलीज किया है ना, ट्विटर पे जो ट्रोलिंग होती है, जो फालतू की गालियां बखी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं कुछ पेड लोगों के द्वारा और कुछ फेक अकाउंट्स के द्वारा, कुछ अनपेड लोगों के द्वारा, आप यकीन नहीं करोगे 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है मेरे खिलाफ ट्विटर पे जब से वीडियो रिलीज हुआ है। मतलब थोड़ा तो एक्सपेक्ट किया था मैंने बढ़ेगी, लेकिन इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था। खैर, देखते हैं इससे कैसे निपटा जा सकता है। मतलब विकास पांडे की और अमित मालवीय की और इनकी बीजेपी आईटी सेल वालों की फटके गली में आ गई एक वीडियो से। दोस्तों, ये लोग बुरी तरह से डर गए। आप यकीन नहीं करोगे, हम सब लोगों ने मिलके सच को इतनी दूर तक फैलाया कि ये लोग इतना डर गए कि अब इन्होंने मेरे खिलाफ और महावीर के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी है। और ये पुलिस कंप्लेन इतनी फर्जी है, इतनी मजाकिया है कि आप भी इसके बारे में सुनोगे ना, आपको भी हंसी आने लग जाएगी। प्रशांत भूषण बहुत ही सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है। जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। डेरेक ओब्रायन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया। इनफैक्ट उन्होंने तो यहां तक ये कह दिया कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगली बार पार्लियामेंट में फेक न्यूज के बारे में डिस्कशन होगी तो इस वीडियो को जरूर मेंशन किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कि सच इतनी दूर तक पहुंच रहा है और पार्लियामेंट में भी इस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम इस कंप्लेन में लाना, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ये वाला वीडियो डेफिमेटरी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके लिए सॉरी भी मांगनी पड़ी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ध्रुव राठी फैक्ट को कितने लेवल पर मैनिपुलेशन कर रहा है। आप लोग सोच सकते हैं और देख भी रहे हैं। और आप लोगों में से जितने भी लोग ध्रुव राठी को देखते हैं तो सच देखते हुए भी आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कितना सिलेक्टिव डिस्क्लोजर देता है। और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस लेवल पर ब्रेन वॉश हो चुके हैं। सिर्फ मेरा काम है, खैर मेरा काम है सिर्फ सच्चाई दिखाना। और आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोगों को अब डिसीजन क्या होना चाहिए। चलो खैर, चलते हैं अपन लोग इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं भी चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुझे भी पूछना है, जब वेस्ट बंगाल के अंदर इनोसेंट लोगों की जान जा रही थी तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों थे? इनोसेंट महिलाओं के साथ उस समय बलात्कार हो रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी यही चीज़ें हो रही थी। बीजेपी का बड़ा नेता होता है, वो भी वेस्ट बंगाल पहुँचता है, उसके ऊपर हमला होता है, फिर भी नरेंद्र मोदी चुप क्यों थे? नरेंद्र मोदी उस समय चुप क्यों थे और क्यों मौन व्रत रखे हुए थे, मुझे भी जानना है उनसे। उस समय जब बनारस में शिवलिंग मिला था तो जिन लोगों ने हमारे आराध्य भगवान का मजाक उड़ाया था, उस समय नरेंद्र मोदी ने कुछ क्यों नहीं बोला, मैं भी जानना चाहता हूँ। उस समय क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई एक्शन लिया गया, मैं भी पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और मैं भी जानना चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब ये सवाल जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? आपका जवाब इसको लेकर कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में। जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी,
लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। करते हैं इंडिया को ग्रेट बनाने की, यानी कि इंडिया के हित की बात करते, लेकिन आपने इंडिया का कई बार अपने वीडियो में गलत मैप का इस्तेमाल किया है। अक्साई चीन को आप चाइना का पार्ट बताते हो, पीयू को वो आप पाकिस्तान का पार्ट दिखाते हो, वो भी एक बार नहीं, आपने ये चीज़ें कई बार की हैं अपने वीडियो में। और अब आप बात कर रहे हो इंडिया के अंदर कि डेमोक्रेसी के लाने को, ये बात आपके ऊपर सूट नहीं करती ध्रुव राठी। आप लोगों के सामने इसके सारे फैक्ट को सारी तरह से बता दिया है, अब बारी आती है आप लोगों की कि किस लेवल पर ये बंदा आप लोगों को मैनिपुलेशन कर सकता है। हाँ, आप एक दो, आपके एक दो पॉइंट है जिससे आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। अब बात करते हैं आपके केरला स्टोरी की। केरला स्टोरी में भी आप लोग, आप क्या बोल रहे थे कि ऐसे जैसे एक दो केस हो गए हैं तो ऐसा होता रहेगा क्या? और आज उन एक दो टॉपिक को या एक दो केसों को लेकर आप कह रहे हो कि इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, ये कैसा फैक्ट हुआ भाई? ध्रुव मुझे भी समझा दे। तो सीरीज ऑफ इवेंट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना यूट्यूब करियर आम आदमी पार्टी की पोस्टों से शुरुआत की है, अपने वीडियो में आम आदमी पार्टी के लीडर्स को बैड वॉश किया, आम आदमी पार्टी के ऊपर जब भी कोई दाग लगा तो तब तब आपने अपने वीडियो और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको डिफेंड किया। जब आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा था तो आप उसमें इन्वाइटेड थे। ये सब सीरीज ऑफ इवेंट हैं, ये सब कोइंसिडेंट है मुझे तो भाई नहीं लगता। अब आप लोग भी समझिए, इस वीडियो का मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया है। और मुझे तो इस वीडियो का भाई, मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो की जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उसका नाम है विजेता दैया। जो इसने ये वाला वीडियो डाला है, इसको भाई वीडियो एडिट कराने के लिए इसे तीन व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ी, राहुल, अक्षय, मानव। अब मुझे ध्रुव राठी से ये जानना है कि आपने फिल्म डायरेक्टर को कैसे अफोर्ड कर लिया या कैसे हायर कर लिया? आप तो जर्मनी में एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हो, इतना पैसा आप कहाँ से ला रहे हो? आपको कौन पैसा देता है? आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसके पास कहाँ से पैसा आता है, कौन सी पार्टी से पैसा देती है। सिर्फ इतना है कि इसे डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता है, इसे इनडायरेक्ट रूप से पैसा दिया जाता है, जो थर्ड पार्टी द्वारा से पैसा दिया जाता है। मुझे पता है कि आप इस वाले वीडियो मतलब विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आप जैसे ध्रुव भी हुआ तो आप पार्टी को पूछना कि पास इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। वीडियो के जितने भी टॉपिक इनसे सिर्फ दो ही पॉइंट निकले हैं, एक तो एक्विजिशन और दूसरा सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। दोनों को मिलाकर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे अंदर डिक्टेटरशिप है। मैं सिर्फ लास्ट में ये कहूँगा कि जितने भी ध्रुव राठी के व्यूअर हैं, सिर्फ उनसे, सिर्फ ध्रुव राठी से तुम ये पूछना कि आपने सिलेक्टिव डिस्क्लोजर क्यों दिखाए, आपने आधे अधूरे फैक्ट क्यों दिखाए। सिर्फ इतना क्वेश्चन कर लेना आप लोग, और कुछ भी क्वेश्चन उससे मत करना। उन्होंने एक्विजिशन को सिलेक्टिव डिस्क्लोजर बता के क्यों रखा, आप लोग उनसे पूछना। सिर्फ इसलिए रखा उन्होंने कि हमारे और आपके बीच में, यानी कि ध्रुव राठी और उनके व्यूअर के बीच में ट्रांसपेरेंट हो सके। आपका ये होना चाहिए कि आपका जो यूट्यूबर है उससे आप सवाल पूछते हो तो वो आपका आंसर दे, यानी कि मेरे जितने व्यूअर हैं वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। आपका ये फैक्ट होना चाहिए। आप जो कुछ मैंने बताया है, आप लोग ध्रुव राठी को जरूर मैसेज कीजिए ईमेल पर, जिस भी प्लेटफॉर्म के वगैरह आप मैसेज करते हैं तो जरूर कीजिएगा, और एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि आप सिलेक्टिव डिस्क्लोजर क्यों दिखाते हो और आधे अधूरे फैक्ट क्यों दिखाते हो। मैं सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगा कि ध्रुव राठी का आप जो भी वीडियो देखते हो, ठीक है, आर टोटली जो भी वीडियो देखते हो, तो उसका जो टॉपिक होता है या वो भी जितना भी वह टॉपिक देता है तो वो आधा अधूरा फैक्ट बताता है। फिर उसका आप लोग पूरा फैक्ट देखिए, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जो सर्च किया है और जो मैंने देखा है मैं उसका बता रहा हूँ। जो भी वह फैक्ट बताता है वो आधे कट ऑफ ले आता है और आधा दिखा देता है। आप पूरा देखिए उस फैक्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई आखिरकार है क्या। और इस लेवल पे भाई, भाई ये बंदा इस लेवल पर ऑडियंस को चूतिया बना रहा है कि मैं भाई बता नहीं सकता। इतने भाई बहुत ही ऊपर लेवल का ये भाई ब्रेन वॉश कर रहा है जनता को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी लोग हो सके इस वीडियो को शेयर करें,
यदि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो इस वाले वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टा पर स्टोरी लगाएं एंड मुझे मेंशन करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप के माध्यम से, जितने भी आप सोशल मीडिया चलाते हो उन पर इस वीडियो को ज़रूर सेंड करें। इसी के साथ अपना वीडियो होता समाप्त। जय श्री राम। अब आपका एक पॉइंट बनता है इससे कि इस सच्चाई को पूरे देश में कैसा फैलाया जाए, तो आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है भाइयों। और आपको यदि कुछ फैक्ट मैंने बताए हुए या फिर आपको लगे तो आप भी चेक करना, और मैंने सब कुछ आपको बताया है विद प्रूफ के, जो कोई जहां पर गलत है तो मैंने गलत भी बताया है कि कौन आदमी कहाँ पर गलत है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वाले वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, और सच्चाई पूरे देश, पूरे भारत देश को पता चलना चाहिए कि सच्चाई आखिरकार है क्या।